हेलो, मेरा नाम दीपक केळकर है। आज मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज मेलाइटस मतलब शुगर की बीमारी, मधुमेह और नपुंसकत्व, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस। क्या कि लैंगिक संबंध करना, उसमें टिक कर रहना और वो पावरफुली करना, जिनको जिनको डायबिटीज है या मधुमेह में बहुत ही तकलीफ का हो जाता है। होता क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि हम अपने को डायबिटीज है। खून में शक्कर बढ़ते जाती है, मालूम ही नहीं है। उसके अलग अलग लक्षण, वो धीरे धीरे बढ़ती है करके लक्षण मालूम नहीं पड़ते। और वो जो शुगर जो खून में बढ़ती जाती है, शुगर की मात्रा मतलब डायबिटीज होते रहता है, ब्लड शुगर बढ़ते रहती है, तो उसका असर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर होता है। उसका अंदर का अस्तर जो है वो छोटा 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 हो जाता है, कड़क हो जाता है, छोटा हो जाता है। और फिर उससे फर्क ये पड़ता है कि शिश्न के तरफ मतलब पेनिस के तरफ, लिंग के तरफ जाने वाला जो खून का सप्लाई है वो कम हो जाता है। और यदि खून का सप्लाई कम हो गया तो फिर शिश्न में टेंशन, इरेक्शन नहीं आता। तो काफी सारे लोग जब आते हैं तो उनको बोलते पहले ब्लड शुगर टेस्ट करो, और वो शुगर यदि टेस्ट करते तो उसमें यदि डायबिटीज निकलता है तो पहले वो डायबिटीज को ठीक करो। डायबिटीज को ठीक करने के बाद एक तो वो आप ही आप अच्छे हो जाते हैं या फिर उनको दवा देनी पड़ती है। क्योंकि जब रक्तवाहिनी जो है, खून जिसमें से बहता है, यदि वो छोटी हो गई है, उसका उसका आकार जो है वो छोटा हो गया है, तभी उसको बड़ा करने के लिए तो ऐसा कोई संभव नहीं है। तो फिर दवाई दो। दवाई से खून जब अंदर जाएगा, शिश्न में जब खून जाता है, देखो इरेक्शन कैसा होता है, ये शिश्न का इरेक्शन जो है वो कम से कम 150 से 250 मिलीलीटर खून शिश्न में अंदर जाता है और उसकी वजह से टेंशन आता है। अब जब जो ब्लड वेसल जो है वो छोटी हो गई है तो उतना खून अंदर जाएगा नहीं शिश्न में। उतना खून अंदर नहीं गया तो शिश्न जो है वो बड़ा होता नहीं, इरेक्शन उसमें होता नहीं। तो जो दवाइयां हैं, मेडिसिन जो है, वो मेडिसिन से वो खून उतना अंदर जाएगा, उससे इरेक्शन जो है वो काफी समय तक बना रहता है और उसकी वजह से वो लैंगिक संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो ये जो आप करते हो तो आपका जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्स की बीमारी है, नपुंसकत्व है, वो ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।